नमस्कार दोस्तों, मैं गैरा। अभी मैं जनपद सीतापुर में, इस समय मैं सीतापुर में हूँ। और सीतापुर में हमारे साथ देख रहे हैं एक ब्लॉगर जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। इनका नाम फिर भी मैं बता देना चाहूँगा, इनका नाम है नेहा शर्मा। और इनके चैनल का क्या नाम है मैं इन्हीं से जानूंगा, लेकिन इनके चैनल पर अगर आप लोग जाएंगे देखेंगे तो इनकी ज़िंदगी से जुड़ी सारी वो कहानी आपको मिलेगी जो ये झेलते हैं। ऐसे तो जब मैं आया तो थोड़ा सा इनको खुशी हुई कि मैं इनका इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लेकिन इनके चैनल पर अगर आप लोग जाएंगे तो इनकी जो समस्याएं हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, YouTube पे काम कर रही हैं ये सबसे बड़ी बात है। और YouTube पे फिर इन्होंने काम करना कैसे स्टार्ट किया, कैसे इनका मन बढ़ा कि नहीं हम YouTube पे काम करेंगे, और आज क्या स्थिति है। वैसे तो मैं थोड़ा सा बातचीत किया हूँ तो ये लग रहा है कि YouTube से ये हर महीने कुछ इनकम कर लेते हैं। यानी कि बहुत से लोग होंगे जो कि बाहर शहरों में, बहुत सी लड़कियां भी हैं जो कि शहरों में अपना जाती हैं दूसरे के यहाँ जॉब करने के लिए, लेकिन ये खुद सक्षम है अपने घर पर रह के दो पैसे की इनकम कर लेती हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे, परिचय जानेंगे। स्वागत नेहा शर्मा। अच्छा नेहा शर्मा, आपका चैनल क्या नाम से? यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा के नाम से मेरा चैनल। कब बनाए आप चैनल, तो कैसे आप? चैनल मेरे हस्बैंड ने बनाया था और मेरा मन था कि मैं ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि मैं सबके ब्लॉग देखती थी, तो मेरा भी मन था कि मैं भी यूट्यूब पे आऊं और अपनी लाइफ शेयर करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी बनाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है करो काम। तो मैंने नया फ़ोन लिया और मैं ब्लॉगिंग करने लगी। चैनल बनाया मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने ही मतलब एडिटिंग करना मुझे सिखाया और कैसे वीडियो शूट करते हैं सारा कुछ उन्होंने ही मुझे बताया, और तब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मुझे 2 साल हो गया है ब्लॉगिंग करते हुए। तो शुरुआत में कैसे काम आप शुरू किए? शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगा हुआ है, फिर कैसे जब आपके हस्बैंड थे तभी से बनाना शुरू किए? हाँ नहीं, मेरे हस्बैंड थे और तभी से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की थी, और वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। डेली का डेली मेरा ब्लॉग एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, यहाँ तक थंबनेल, हर चीज़ उन्हीं का सब कुछ किया हुआ था। पीछे के ब्लॉग देखेंगे सारा कुछ उन्हीं का किया हुआ होता था। उनके जाने के बाद मैंने ही सीखा है, उन्होंने मुझे जितना सिखाया अभी तक मैंने उसी पर काम किया है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग टूट जाते हैं, जैसे अभी बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड जाने के बाद, मतलब कि क्या हुआ? नहीं, इस दुनिया में नहीं है। सन 2021 में कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद मैंने एक हफ्ते बाद मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं था पैसे कमाने का। मेरे पास बेटी है 7 साल की, जिसको मुझे पढ़ाना भी था और उसका भविष्य अच्छा बनाना था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी चैनल को आगे ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था इस चैनल पे तुम मेहनत कर रही हो और इसको बहुत आगे ले जाना है। तभी मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत भी की, क्योंकि उस टाइम पे किसी को होस्ट नहीं होता है। उस टाइम पे मैंने ब्लॉगिंग की, सबको अपनी बात बताई, सबने प्यार भी दिया, मुझे सपोर्ट भी किया और यहाँ तक मुझे लेके आए हैं सभी। क्या लगता है कि मतलब कि आप तो इतना संघर्ष करके अभी YouTube से तो पैसा इनकम कर रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि वीडियो बनाते हैं और वो टूट जाते हैं, सोचते हैं कि अब नहीं इनकम हो रहा है, उनके लिए क्या है आप प्रेरणा दे रही हैं? मैं तो यही कहूंगी कि वीडियो बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसते थे। मैं जिधर भी ब्लॉगिंग करते हुए निकलती थी सब कहते थे ब्लॉग बनाती है, हस्बैंड नहीं है और इसको कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं सुनती थी आके घर पे, बहुत रोई भी हूँ मैं इन सब बातों से, लेकिन मैं बस मुझे वही बात याद आती थी, नहीं मेरे हस्बैंड ये बोल के गए थे कि तुमको इस पे बहुत मेहनत करनी है, तुमको आगे जाना है, तुमको दुनिया देखेगी, तुमको जानेगी, कुछ तुमसे सीखेगी। तो बस इसलिए मैं हमेशा काम करती रहती थी और बस लोगों की बातों को। ये कमेंट करते रहे कि देखिए ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप बिंदास वहाँ पे ऐसे हाथ करके अपना कैमरा से ब्लॉग बनाती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो बनाती हूँ और हंस के बनाती हूँ कि जो देखते हैं ना उनको और ज्यादा जलन हो। देखिए एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो ब्लॉग बनाती हैं ये अक्सर इनके ब्लॉग में आप देखेंगे इनके चैनल पर जाके, तो ये जैसे रास्ते में गलियों में ये जब ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग अगल बगल रहते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो कमेंट भी करते हैं तमाम तरह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितना वो लोग कमेंट करते हैं, जितना वो जलन करते हैं, उतना ये अपना खूब खुश मिजाज से ब्लॉग बनाते हैं। तो क्या है कि उसमें 100,000 लोग देखते हैं, कह रहे देखिए वो उस लड़की का वो वीडियो बना रही है। तो उससे होता क्या है कि वो लोग तो उस समय देखते हैं, उनके अंदर जलन होती है, लेकिन जब वो वीडियो अपलोड करती है ना
तो जो लोग हंसते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, वही फिर फुल वॉच करते हैं उस वीडियो को चैनल सर्च करके। अच्छा 10-15-100 लोग जब वही सर्च करके वॉच करते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिक फिर भागेगी, फिर वो वीडियो चल जाती है और फिर उसी से जो है आपका इनकम भी होता है, यानी कि लोगों के जलने से भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल फायदा होता है। जितने लोग तुम्हारी बातें करते हैं वो तुम्हें ढूंढ के सर्च करके देखते हैं आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दिखाना चाह रही है, क्या दिखा रही है, उनको देखते हैं आके। सामने तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वो सर्च करके तुमको देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे, नहीं इनको देखो ये देखो क्या दिखा रही है। तो हमें डरना नहीं है और काम करते रहना है, सबको करना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसी लड़कियां बहुत सारी ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो रो रही हैं कमरे के अंदर बंद, काम नहीं कर रही, जिनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन उनको करना चाहिए क्योंकि सब सबका हक है काम करने का और अपने पैरों पे खड़े होना भी बहुत जरूरी है, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, मेरा मानना जहाँ तक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे साथ जो जो कुछ हुआ है मैंने बहुत अच्छे से झेला है और आज भी मैं झेल रही हूँ। आज मैं इस पे नहीं होती तो मैं अपने बच्चे को ना पढ़ा पाती, ना उसे अच्छे से कपड़े पहना पाती, ना उसे मैं मन चाह कुछ दिला पाती। अच्छा मतलब कि YouTube से ही अब सब कुछ कर लेती? हाँ मैं YouTube से ही सब कुछ करती हूँ। अगर YouTube नहीं रहता तो फिर काम धंधा दूसरे जगह करना पड़ता? हाँ YouTube नहीं रहता तो मैं कहीं और जॉब करती, और मुझे बस इतनी खुशी है कि मेरे पास चैनल है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, अपने बच्चे से भी दूर नहीं हूँ और अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। और वर्क तो है यार। वर्क तो है और कर रही हूँ और हमेशा इसी तरीके से करती भी रहूंगी। अच्छा जब आप चैनल बनाए थे तो आपके हस्बैंड थे, 2 साल हो गया, तो ये चैनल मोनेटाइज कितने दिनों में आप करा ली? चैनल मेरे हस्बैंड के जाने के 6 महीने बाद चैनल मोनेटाइज हो गया है। यानी कि उनके जाने के बाद आप कंटिन्यू फिर इस पे लगी रही और 6 महीने बाद? हाँ 6 महीने बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मेरी सैलरी भी आई, 1 साल के अंदर मेरी सैलरी आ गई थी उनके जाने के बाद। अच्छा देखिए 1 साल, अगर ये हिम्मत हार गई होती तो शायद वो नहीं फिर नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी सैलरी आई, बस मुझे इतना दुख है कि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो उनके सामने मेरी सैलरी आए, बस मुझे इतना दुख है कि मैं उनके सामने नहीं कर पाई, पर वो जहाँ भी होंगे मुझे देख के प्राउड कर रहे होंगे कि हाँ नेहा तुमने वो चीज करा जो मैं चाहता था। सही बात है। अभी देखिए इनके अंदर दर्द जो है वो आप लोग देखे भी होंगे इनके चैनल पर, और बहुत दुख होता है और इनकी जो समस्या है उसे सुनने के बाद तो और सारी तकलीफ है। एक आदमी संघर्ष के साथ जीना चाहता है लेकिन दूसरा जो है उसे जीने नहीं देना चाहता है। तमाम सारी बातें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके गार्जियन के साथ में बातचीत करूँगा, पूरा मैटर जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर में क्या इनके साथ हुआ है और अभी तक क्या ये कर रहे हैं, कितना मेहनत है, कितना संघर्ष है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब से अब तक हमको लग रहा है कि लगभग आप जो है महीने का एक जैसे प्राइवेट जॉब लोग करने जाते हैं उतना तो आपका इनकम हो ही जाता है। हाँ इतना हो जाता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी देती हूँ, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अच्छा से मैं उसको खिलाती हूँ और हर चीज करती हूँ उसी सैलरी से, और अपने पर्सनल खर्चे भी मैं उसी से पूरे करती हूँ। अच्छा यूट्यूब कितना काम करती है डेली आप? डेली मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ और अब आज से मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगी। बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, पसंद करो और शेयर करो। मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, करूंगी भी, बस इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानियाँ हैं तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, बस यही। आपके माध्यम से मुझे जितने लोग आपकी तरफ के हैं वो देखें, और जो लड़कियाँ चुपचाप बैठी हैं या लेडीज जो भी हैं वो बाहर निकले, वो भी काम करें, क्योंकि घर में बैठने से कुछ भी नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सा गौर करें, देखेंगे आंखों में आंसू भरे हुए हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे जो है मुस्कुराहट है, वो मेरे चेहरे पे हमेशा रहेगी, इसीलिए लोग बहुत जलते हैं मुझसे, बहुत जलते हैं मेरे आस पड़ोसी भी मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझे दिन रात ताने देते हैं लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, बस चलती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जब मुझसे कहता है कि मम्मा मुझे ये चीज चाहिए तो मैं उसे कहती हूँ ठीक है मैं दिलाऊंगी, मैं उसे दिलाती भी हूँ, बस इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। देखिए मेरा इनके यहाँ आने का ये मकसद था कि मेहनत कर रही थी, मैं इनका वीडियो देखा, मुझे इनका वीडियो अच्छा लगा, और जो भी समस्याएं थी इनके समस्याओं को देख कर जो है
ये भी लगा कि नहीं इनकी थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके, और जितना हमसे हेल्प होगी उतना मैं पूरा इनका हेल्प करूँगा, पूरा मदद करूँगा। और इनके चैनल को मैंने आके विजिट किया, देखा, तो ये समझिए कि अभी एक प्राइवेट किसी कंपनी में या प्राइवेट कहीं भी एक जाती है काम करने के लिए, तो जितना वहाँ पे सैलरी मिलता और पूरे दिन यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इनको जितना मेहनत करना होता, उतना मेहनत करने के बाद इनको जो सैलरी मिलती उतनी सैलरी ये घर पर रह के थोड़ा सा वर्क करके अपने यूट्यूब से इनकम कर रही हैं। तो यूट्यूब का जो है इनको सहारा है, और यूट्यूब के बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। तो मैं सोचा कि इतना कम मेहनत करके जब YouTube पे इतना कमा ले रही हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा और टिप्स दे दूं, ताकि इससे कई गुना और अच्छा इनकम कर लें। और होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो YouTube पे मेहनत करते हैं और अच्छा उस पर परिश्रम करते हैं, लेकिन इनकम तो होती है, लेकिन वो सही ढंग से पूरी इनकम नहीं कर पाते हैं, बाकी इनकम कोई और तीसरा ले लेता है, क्योंकि आज फ्रॉड का ज़माना चल रहा है। तो मैं आया, इनको देखा, इनका चैनल विजिट किया पूरा बढ़िया से, तो YouTube पे जितना हो सका उतना मैं जानकारी दिया, और अभी इनका Facebook पेज भी नहीं था, वो भी मैं बनाया हूँ, और तमाम सारी बातें हैं। अब हमको लगता है कि अगर इनको मैं आज बता के जाऊँगा, तो अगले महीने से आपका एक भी महीने भाव नहीं होगा, और हमको लगता है सैलरी दुगुना तो हो ही जानी चाहिए। बिल्कुल भैया, भैया ने मुझसे बोला कि दो दो वीडियोज डालो, मैं दो दो वीडियो डालूंगी और बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। भैया ने मुझे थंबनेल भी बनाना सिखाया, ऐसे ऐसे करके मैंने सीखा भी है, और जब तक अभी है और सीख लूंगी, और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, और डेली का मेरे दो वीडियो तो ज़रूर आएंगे। बस आप लोग प्यार दीजिए उस वीडियो को, और मुझे सपोर्ट करिए, बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, और मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, और माइंड ठीक नहीं, अगल बगल या फिर कई लोग क्या कहें नहीं। मैंने शुरुआती दौर पर हेल्प मांगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी मांगा मैंने, पर किसी ने हेल्प नहीं किया। उस दिन से मैंने सोच लिया, नहीं, जो भी करना है तुमको अपने दम पे करना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी है। तो मैंने किसी से आज तक कोई फिर हेल्प नहीं मांगी दोबारा से। देखिए, यही होता है कि बहुत से लोग हैं बड़े बड़े क्रिएटर के पास जाते हैं, तो मिलना भी नहीं चाहते हैं, और मिलना मदद भी नहीं करते हैं। तो सोचिए कि उनकी क्या, उनके विधिक मतलब इतना पैसा खर्च करके लोग जाते हैं कि थोड़ा मिलेंगे तो हमारा चैनल चल जाएगा, थोड़ा सा इनकम हमारा हो जाएगा, तो हमारा जो गरीबी है, जो हमारी स्थिति है, वो थोड़ा सुधर जाएगी। लेकिन जो बड़े क्रिएटर होते हैं वो तो यूट्यूब पे तो बढ़िया से अपने को पेश करते हैं, लेकिन जब सामने से कोई अगर जाएगा जिंदगी में, तो सच में वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं। ये मेरा मानना है, ये किसी के मतलब वो पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इनकी मदद करनी चाहिए, और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो आज मैं इनको बताया हूँ, इस महीने में अगर ये 5,000 इनकम करती होंगी तो अगले महीने में 10,000 करेंगी, और अगले महीने अगर 10,000 करती होंगी तो अगले महीने में 20,000 करेंगी, इतना दावा के साथ मैं करके जा रहा हूँ, और होगा भी, और बताएंगे भी ये वीडियो में बाद में कि नहीं हाँ हमारा कितना लाभ हुआ। और बाकी और किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वो मुझे संपर्क ना करें, है ना। करने के लायक है, मैं जरूर करूंगी, और मेरा बस मानना ये है, जो जिनको वाकई में जरूरत है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत लोग हैं उनकी हेल्प नहीं करते हैं, और जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं या ज़्यादा व्यू आते हैं उन्हीं की हेल्प करते हैं, और नीचे जो है उनकी बिल्कुल भी कोई हेल्प ही नहीं करता है। तो दोस्तों, हम हैं अभी सीतापुर जिला में, यानी कि सीतापुर जिला में नेहा शर्मा जी के साथ। चैनल का नाम फिर से एक बार बता दीजिए। यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा मेरे चैनल का नाम है जी। और मैं इनके चैनल को देखा तो फिर इनके आया हूँ और बातचीत किया, बड़ा अच्छा लगा इनके यहाँ, और जो भी कुछ समझाया हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी थी मुझे, वो पूरा मैं जानकारी दिया हूँ। अभी क्या लग रहा है कि मैं जितना बताया हूँ सब कुछ समझ में आया, सही बताया हूँ या फिर गलत बताया? नहीं भैया ने जितना भी बताया, मेरी हेल्प करी, बहुत मुझे सही लगा, मैंने सीखा भी है, और मैं उसी तरीके से करूंगी, और डेली का डेली भैया ने बोला कि दो ब्लॉग डालिए, तो मैं दो ब्लॉग भी डालूंगी। नहीं लगा कि इस पे क्या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पैसा नहीं होगा, दूसरा काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं। बहुत बार हिम्मत हारी भी हूँ मैं, लेकिन फिर मुझे बस एक ही बात याद आती थी, नहीं नेहा तुमको करना है, करना है, करना है। बस मैं मुझे मेरे हस्बैंड की ही बात याद आती है। आज भी जब मैं कभी डिमोटिवेट भी होती हूँ, तो बस मुझे वही बात उनकी याद आती, मैं फिर उठ के बैठ जाती हूँ, नहीं मुझे मेहनत करनी है, आज नहीं कल तो मैं आगे जाऊंगी। चलिए, इनसे हमसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।